नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जन सुनवाई में उपस्थित नहीं होने वाले विभाग प्रमुखों पर होगी कार्यवाही। जी हां, प्रति मंगलवार को अनुविभागीय कार्यालय में आयोजित होने वाली जन सुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि आज जन सुनवाई में 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है और जन सुनवाई से नदारद रहे विभाग प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, आज जन सुनवाई में PWD, RES, स्वास्थ्य, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी नदारद रहे। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। आज जन सुनवाई में 16 आवेदन आए हैं, उसमें से 3 आवेदन आदेश होने के बाद भी अमल के नहीं थे, उनकी तहकीकात अभी करवाई जा रही है, प्रचलित है और उनका निराकरण आज ही हो जाएगा। क्योंकि आदेश हो चुका है और अमल नहीं होना ये एक अच्छी बात नहीं है और संबंधितों के खिलाफ जो है उसमें चेतावनी भी दी जाएगी कि भविष्य में इस तरह के काम नहीं जाना चाहिए। कुछ पंचायत विभाग से संबंधित थे, एक आवेदन जो है इस प्रकार का था कि उन्हें 5,000 आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, किंतु उनको वास्तव में 3,000 की पात्रता थी, तो वो राशि उन्हें मिल चुकी है। और नगर पालिका के कुटीर से संबंधित कुछ आवेदन हैं जिनका निराकरण CMO को जांच के लिए दिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर उनका निराकरण करके और उन आवेदकों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। ये बात सही है आपकी, RES निरंतर अनुपस्थित रहते हैं क्योंकि RES के पास यहाँ पर उनके द्वारा ये बताया जाता है कि बासोदा और यहाँ दोनों जने का जगह का प्रभार रहता है, तो वो बासोदा में अटेंड करते हैं, किंतु इस बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनको, जिसमें PWD भी शामिल है और आज कृषि विभाग के भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं थे। उनके द्वारा फोन पर ये जानकारी दी गई कि जो PM किसान ये फसल ऐप में जो किसानों से संबंधित काम है उसके कारण से वो फील्ड में है, लेकिन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और आगामी में यदि कोई उपस्थित नहीं होगा आगामी मंगलवार की जनसुनवाई में तो उनके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव भी भेजे।